खावे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी। मेरा नाम डॉक्टर मासूम अनवर है। आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली माशाल्लाह। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 7 साल है, शाहजेब उसका नाम। मेरी हर सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। जब घर तुझे छोड़ जाऊं तू दास हो न सह पाऊं, तेरे कल के लिए आज मैं सारे जहां से लड़ जाऊं। तेरी नींद के लिए ही जागती हूँ मैं, रोज हिम्मतों को बांधती हूँ मैं तेरे लिए, सब दुआएं मेरी तेरी खुशी में है खुशियाँ। वैसे तो लोग मुझे एज सिंगर जानते हैं, मासूम अनवर के सूफी फोक सिंगर हैं और परफॉर्म करती हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये पता है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। मुझे बचपन से ही स्टेथोस्कोप बहुत पसंद थी, डॉक्टर्स बहुत पसंद थे, तो मैंने यही सोचा हुआ था कि इंशाल्लाह बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। जो बच्चों का शोभा है पीडियाट्रिक्स, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। वो तो आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंटली आई वॉन्टेड टू बी अ सर्जन, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टफ फील थी मेरे लिए, बिकॉज तब मेरा सिंगिंग करियर भी शुरू हो चुका था। तो पीडियाट्रिक्स में मेरे जो सुपरवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 3 महीने की रोटेशन पे आ जाएं। तो जब मैंने वो रोटेशन शुरू की, उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक्स कभी नहीं छोड़ी। एज अ फैमिली हम लोग रहते हैं सेपरेट यूनिट में, मासूमा और मैं, और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो शाहजेब जो है हमारा बेटा है वो अपनी खाला के साथ गुजारता है। उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है अपनी खाला के साथ। सोशलाइज हम बहुत करते हैं माशाल्लाह, हमें लोगों में रहना बहुत पसंद है सबके, और आदाब हम में बहुत है। सबसे प्लस पॉइंट जो उसका ये है ना कि वो एक बहुत ही फरमाबरदार और बाअदब बच्चा है माशाल्लाह। मैं खाला से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारे साथ भी है एज़ फार एज़ गोइंग आउट इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ चीज़ें लेना हेयर एंड देयर, स्कूल की चीज़ें, खिलौने वगैरह, ये वो गिफ्ट वगैरह बाकी भी उसके बड़े मिल जाते हैं। हॉस्पिटल की शिफ्ट जो हैं, आपको पता है एक डॉक्टर की लाइफ इज़ वेरी बिजी, तो मुझे टाइमिंग्स का तो कभी कभार पता भी नहीं चलता है। रेगुलर टाइमिंग्स तो 6 घंटे की हैं, लेकिन जब मुझे कॉल पे होना पड़ता है, जैसे ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, कभी कभार 24 घंटे की शिफ्ट भी करनी पड़ती है, बिकॉज ICU की रोटेशन होती हैं। तो बेसिकली बहुत हेक्टिक रूटीन है मेरी। आई कॉन्ट बी थैंकफुल इनाफ, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक पावरफुल खातून में होनी चाहिए। आजकल के दौर में खातून का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ फाइनेंशियल तौर पर बल्कि इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से मुझे मासूमा की काफ़ी सपोर्ट हासिल है। आई कैन नॉट थैंक अल्लाह इनाफ फॉर सच अ वंडरफुल वाइफ दैट ही हैज़ गिवन मी। फहीम एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही साइलेंट इंसान है। ही इज़ अ वेरी वेरी साइलेंट लाइफ पार्टनर। वो कहते हैं ना, बहुत ही इंटेलेक्चुअली साउंड लोग जो होते हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड हस्बैंड माशाल्लाह। हमारी शादी को अब 8 साल हो चुके हैं, तो ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी केयरिंग। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में जब डॉक्टर्स काम करें या किसी भी दौर में जब लंबी शिफ्ट्स पे जाते हैं, तो हस्बैंड इतने कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होते, इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, क्योंकि आपके घर की सारी लायबिलिटीज़ फिर एक हस्बैंड पे आ जाती हैं, इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन। तो उस लिहाज से ही इज़ अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से अप्स एंड डाउन हमेशा आते हैं। वो कोई कपल नहीं है दुनिया में जिनमें कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो, कोई लड़ाई ना हो। कभी कभी वो हर जगह होती है, हर घर में होती है। वो कहते हैं दो बर्तन जहाँ भी होते हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, लेकिन बेस्ट पार्ट इज़ के कोई पिछली चीज़ों को याद दिलाना, कोई चीज़ों को एग्रेवेट करना, वो नहीं होता। हम कहते हैं कि हम साथ लेकर चलें चीज़ों को और आगे लेकर चलें चीज़ों को, एंड वी शुड मूव ऑन, ताकि ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा
स्मूथ हो सके ज़िंदगी उतना ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली फॉर द चाइल्ड। ही इज़ अ वेरी नाइस फादर, पढ़ाना, अलमारी लेके जाना, आई मीन लाइक हर लिहाज से हर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक बॉन्डिंग होती है एक फादर और एक सन की जो होनी चाहिए वो उनमें है माशाल्लाह। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट देम। सो शाज़िब, डू यू नो व्हाट वी आर गोना रीड टुडे? या, लेट मी टेल यू, इट्स हैरी पॉटर। या, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। Yes. Okay, so shall we read? What are you reading, Charlie? Harry Potter. Oh. Yeah. We start reading? Yes. Please. Mr. and Mrs. Dursley of number 4, Privet Drive. Privet Drive. एज अ मदर, जहाँ तक मासूमा का ताल्लुक है, पहली प्रायोरिटी उसकी हमेशा यही होती है कि शाज़िब को देखना है, शाज़िब ने ये किया है कि नहीं, शाज़िब पे ये फंक्शन है, इवेंट है स्कूल में, वो अटेंड करना है। शी मेक्स श्योर, उसका ये कहना है कि ये बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है कि पेरेंट्स का उन इवेंट्स में जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे एज एन इंडिविजुअल वो बहुत देखकर खुश होते हैं अपने माँ बाप को। मेरे ख्याल से जो अमल दखल एक बच्चे की नशोनुमा में और उसकी अपब्रिंगिंग में एक फादर का होता है वो मदर का हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो इंपॉर्टेंस एक फादर की है वो एक मदर की है। तो फहीम इज़ अ वेरी गुड फादर इस लिहाज से, बिकॉज वो उसको टाइम देते हैं, जिस तरह आपको पता है वो खुद भी टीवी पे होते हैं, ही इज़ ऑल्सो बिजी, लेकिन ही विल मेक श्योर दैट ही टेक्स आउट टाइम, ही विल गिव हिम टाइम, बिठाएंगे और वो गैजेट्स के बिल्कुल और टीवी के और इन चीज़ों के शौकीन ही नहीं है। वो कोशिश करेंगे जितना टाइम वो उसके साथ उनके साथ गुजारता है, बातें करते हैं, रीडिंग करते हैं, कुछ पढ़ लेंगे, नमाज उसको उन्हीं ने सिखाई है, कुरान शरीफ पढ़ना, दुआ करना, सब कुछ। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो होती है ना वो एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फादर, जो उनमें है एंड विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट माशाल्लाह। शाज़िब बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, हम खाने के बहुत शौकीन हैं। मेरी हर सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले, जब घर तुझे छोड़ जाओ तू उदास हो न सह पाओ, तेरे कल के लिए आज मैं सारे जहाँ से लड़ जाओ, तेरी नींद के लिए ही जागती हूँ मैं, रोज हिम्मतों को बांधती। पढ़ाई में शाज़िब इज़ वेरी गुड माशाल्लाह, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा जिसको स्कूल जाने का बहुत शौक है। मुस्तफ़ा मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा है, मासूमा के भाई का बेटा है, और बॉन्डिंग मेरी इसलिए बहुत ज़्यादा है उससे क्योंकि उसके पहले दिन से लेके अभी तक मैंने उसको बड़ा क्लोज ही रखा है अपने से। ना वो अंकल शंकल कुछ नहीं कहता, ही कॉल पहले बाबा कहता था, फिर बड़े बाबा पे आया, अब फहीम बाबा कहता है, और खेलने भी आता है, और शाज़िब के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग है। जब से पैदा हुआ है अब तक मासूमा के साथ, मेरे साथ, मुस्तफ़ा, कोई भी चीज़ जब शाज़िब के लिए ली जाती है हम यही कहते हैं नहीं, मुस्तफ़ा के साथ भी लेनी है, चाहे वो इनकी बर्थडेज हो या कोई और इवेंट हो, तो चीज़ दोनों की आती है। बस ये है कि हम एक ही घर में रहते हैं बेसिकली, तो कभी मैंने शाज़िब और मुस्तफ़ा में फ़र्क नहीं किया, तो इसलिए जहाँ भी जाना होता है वो कहते हैं ना कि दोनों इकट्ठे कहीं भी एक दूसरे के बगैर नहीं जाते, तो इसलिए जो भी हमारे ट्रिप्स प्लान आउट होते हैं जब कहीं हम कहीं कहीं पे भी जाएं तो बोथ ऑफ देम आर टुगेदर, तो आई लव बोथ ऑफ देम। आजकल की टफ रूटीन में बेसिकली मेरी और फहीम की बाहर निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मासूमा भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो हमने एक डिसीजन लिया था कि एक दिन ऐसा निकालते हैं, क्योंकि अब बच्चों की समर वेकेशंस भी हो गई हैं जाहिर सी बात है, और उनके लिए बाहर निकलना जाहिर सी बात है जितना घर में बैठेंगे उतना गैजेट्स के साथ लगे रहेंगे, हमने कहा एक कॉमन ऐसा दिन रखेंगे जिसमें लेकर जाएंगे बच्चों को लाजमन। तो एज अ डॉक्टर गिल्ट तो मुझे रहता है हर वक्त, बिकॉज इतना टाइम मैं उसको दे नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा नहीं था, आई मीन लाइक आई डिडंट नो कि कैसा दिन गुजरेगा जो हमने प्लान आउट किया।
पंजाब टूरिज्म ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है डबल डेकर बसेस का ट्विन सिटीज के लिए, तो वो एक बहुत ही मेरे ख्याल में तो अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा मुझे आप बताएंगे, आपको भूख तो नहीं लगी है क्या? नहीं। आजकल आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं शादी? क्योंकि आज मेरी पूरी छुट्टी है। Where are you going? Double decker. We're going on the double decker? आपको आपको पसंद है बस में जाना? जी। चलें। Are you guys excited? Yeah. चलें। मुझे आप ये बताएं, आप दोनों कभी बस में बैठे? मैं मम्मी हम तो कभी भी नहीं बैठे। नहीं बैठे ना? नहीं। इसलिए हम लोगों ने टूर में सबसे पहले ट्रिप में यही प्लान किया कि हम लोग डबल डेकर बस पर जाएंगे जो पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से है। सो एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। Tourism Development Corporation of Punjab. Actually, when Sadiq Shah visited to Pakistan in 1966, he committed with the Pakistani government to build a beautiful mosque. So that's why he sold for $120 million to the Pakistani government. Just we started our tour from Faisal Mosque. Faisal Avenue as well as Faisal Mosque, both are by the name of Saudi King Shah Faisal. Really? जब मैं बस पे बैठा तब मैंने एंजॉय किया और मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा मुस्तफ़ा बैठे। बहुत मज़ा आया मुस्तफ़ा को। सबसे ज़्यादा एंजॉय नहीं किए मुस्तफ़ा ने। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा लोग इसको पीएम हाउस समझते हैं लेकिन दिस इज द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। मैं भी और सारे वो लोग जो पीटीवी से मुंसलिक हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं ना सिर्फ अपने इदारे के बल्कि अपने मुल्क के भी। और इसी बात को मैं जोड़ूंगा म्यूजियम्स से, क्योंकि बच्चों को इसलिए भी ले जाना ज़रूरी है म्यूजियम ताकि उनमें एक पेट्रियटिज्म का जज्बा अभी से आ सके। शाज़ेब की उम्र अभी सिर्फ 7 साल है लेकिन इसी उम्र से अगर उसको ले जाना शुरू करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जज्बा उसमें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम। ये देखें ओल्ड पीपल हु यूज्ड टू लिव इन पाकिस्तान। और बाबा ये क्या है? दीज पीपल वर वॉरियर्स। यू सी स्वॉर्ड्स। ओह these were muslim warriors, they used to fight। main army officer banna chahta hu main isliye kyunki main mulk ki hifazat karna chahta hu aur mujhe pata nahi ki wo kab se he wanted to be an army officer or a police officer, yani ki wo jo ek jazba hota hai bachcho mein hubul watni ka patriotism ka aur wo hamesha se hi usme hai। babu ye kya hai? ye the mughal period। द मुगल एम्परर्स केम, उन्होंने बहुत अरसा रूल किया।
तो बहुत अच्छा म्यूजियम है। Really? Did you like it? फिर इंग्लैंड की जो आर्मी थी ना वो आ गई थी। फिर आपको पता है कि जो एजुकेशन जिस तरह आजकल आप स्कूल जाते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर सैयद अहमद खान ने। ये उनका मॉडल है। ये कौन है? इलामा एड्रेस ऑफ अल्लाहबाद। अल्लाहबाद लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इलामा मोहम्मद इकबाल का नेशनल पोएट्स, डू यू नो दैट? या और ये जो आपने नज़्म पढ़ी है इन्होंने ही लिखी है? कलाम इकबाल तो बेसिकली बचपन से ही मेरी मदर ने मुझे सिखाया था, जिससे आप कह सकते हैं कि मेरा स्टार्ट भी एज अ सिंगर करियर मैंने शुरू कलाम इकबाल से किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि जब मेरी माँ ने सिखाया तो फिर मैंने अपने बेटे को भी सिखाया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, the founder of Pakistan. Founder of Pakistan. आपको पता है ये सब चीज़ें जो है ना ये कायदे आज़म ने इस्तेमाल की हुई उनके रूम में होती थी। उनके रूम में होती थी उनकी कैबिनेट, उनका सोफा, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें जो वो इस्तेमाल करते थे, his table, his books. आपको पता है that is his telephone. So beautiful, so ancient. It's so beautiful telephone. Yes. And this? उनका trunk. उनकी शेरवानी जो वो पहनते थे। He is telling people about कि पाकिस्तान अब बनेगा। हाँ, the Lahore resolution. कायदे आजम बैठे हैं सारे लीडर्स के साथ। जो लोग शहीद हो गए थे, जो लोग यू नो जिनके ऊपर इतने मजालिम हुए थे, और कितने सारे हिंदूस पाकिस्तान से इंडिया चले गए, कितने सारे मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आ गए और शहीद हुए थे, शहीद भी हो गए थे और फिर जो रह गए थे। तो पार्टीशन टाइम एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। हां, ये टाइम बड़ा मुश्किल था। आपको पता है बहुत लाजमी है वो आइडेंटिटी देना बच्चों को, वो नेशनलिस्टिक स्पिरिट देना बच्चों को, और वो पेट्रियटिज्म का जज्बा इंस्टिल करना बच्चों को। फिर बहुत से पूरे के एरा से गुजरना और उसको विजुअली देखना वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस व्हिच इज ब्यूटीफुल। आजकल के बच्चों के लिए ज़रा गैजेट्स बहुत हैं और टीवी बहुत है और प्ले स्टेशन और ये चीज़ें बहुत हैं। उस सारे सिलसिले में आप अगर गेमिंग जोन ले जाएं बच्चों को, फॉर एग्जांपल हमारे ज़माने में इतने गेमिंग जोन नहीं थे, कोई छोटे छोटे फन हाउसेज होते थे और जहाँ हम गए वो इट वॉज ब्यूटीफुल। इतना स्पेशियस वो एरिया था गेमिंग जोन के, इतना बड़ा एरिया मैंने देखा नहीं। तुझे देख कर जगे तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। जब घर तुझे छोड़ जाऊं तू उदास हो न सह पाऊं, तेरे कल के लिए आज मैं सारे जहाँ से लड़ जाऊं। अच्छा, दैट जुरासिक पार्क वाली गाड़ी ना? डायनो वाले मुझसे डर गया था और मैं नहीं डरा।
मैंने वाइल्ड वेस्ट शूटिंग गन खेला और चोर आए थे वो मैंने मार दिया, लेकिन फिर भी मैं टारगेट नहीं कर पा रहा था। और जो राइफल वाला है ना, मकड़ी वाला, वो मैंने मारने की कोशिश की राइफल। तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। जब घर तुझे छोड़ जाऊं, तू दास हो न सह पाऊं, तेरे कल के लिए आज मैं सारे जहाँ से लड़ जाऊं। और उसके बाद जू ले जाना, जू जाना तो हर बच्चे की वैसे ही ख्वाहिश होती है। जू जाने का एक एलिमेंट बच्चों में बचपन से इसलिए भी होता है क्योंकि उनमें डर का एक आंसर होता ही नहीं, तो वो कहते हैं कि सारे पेट्स प्यारे होते हैं। एक मिनट, लेट मी टेक अ पिक्चर। बिगेस्ट बर्ड, इसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। ओह दैट्स अ वाइट टाइगर मूसी। वाइट टाइगर, आपको पता है वाइट टाइगर इज फ्रॉम अफ्रीका। मुझे वाइट टाइगर बहुत खतरनाक लगता है। दूसरा वाला टाइगर, बंगाल टाइगर। जब मैं चलता हूँ ना घूम, मेरे पांव थक जाते हैं। दैट्स एन एवियरी। एवियरी क्या होती है? एवियरी जहाँ पे बर्ड्स रहती हैं। यू वांट टू सी? या ओके, चलो लेट्स गो। चल बर्ड्स हमारे साथ घूमेंगी शाज़े। मैंने देखा था। पर फिर ये सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह शाज़े। मुस्तफा देखो। वो यहाँ परिंदों को खाना खिला रहा है। और इस तरह एक ओपन एवियरी में बर्ड्स की जाना, तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के पेरेंट्स सबके लिए कि उनको ना आप ऐसी जगहों पे लेके जाएं जहाँ पे वो पेट फ्रेंडली हों, एनिमल फ्रेंडली हों, इकोसिस्टम से फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, ताकि उनको आइडिया हो कि उनके साथ डील कैसे करें। जब मामू आए थे तो मैंने हबाक के हग किया। जू में वो जब जैसे ही एंटर हुए तो उनको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी पोनी राइड की, और उनको सबसे बड़ा खदशा ये था कि मैं पोनी पे बैठूंगा कैसे। वो छोटे छोटे पोनीज, वो मैंने पहले नहीं देखे हुए थे और ना ही मेरा एक्सपीरियंस था। पोनी राइड पे मुझे हेलमेट अच्छा लगता है और हॉर्स को पकड़ना बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं गिर ना सकूं और राइडिंग अच्छी सी कर पाऊं। So he sat on the pony, he was very excited and he was very happy कि उसने कर लिया, he was happy about it. And go. मैं रेस्टोरेंट पे खाना खाने गया था। क्या खाएंगे आप बेटा? कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। और भी कुछ? चिकन सेव कढ़ाई। आप क्या खाओगे बेटा? मैं ना फ्राई
हाफ चिकन कढ़ाई कर दीजिए, आधा दर्जन सीख कबाब कर दीजिए, बच्चे के लिए साइज कर दें, एक ग्रीन मसाला और जो भी। हाँ जी, कैसा दिन गुजरा शाहजी? गुड। बहुत अच्छा गुजरा? मेरा भी गुजरा। अच्छा गुजरा? अच्छा, तो सबसे अच्छा क्या, कितने दिनों बाद आज हम बाहर निकले हैं ना जी। तो आपने क्या किया आज? सबसे ज्यादा मजा है क्या, किस चीज का है? बस में डबल डेकर पर। ठीक है। और मैंने झूले झूले थे। अच्छा रियली? उसके अलावा वो भी गया। तो ज़ू कैसा था? बहुत अच्छा था। तो ज़ू को क्या सबसे अच्छा लगा आपको? मैंने राइडिंग की, पोनी राइड, पोनी राइड। कितने अरसे बाद एंजॉय किया? डू यू वांट टू गो अगेन आउट? फिर दोबारा जाना? जी फिर से हम जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। थैंक यू मम्मी पापा मुझे बाहर लेके जाने के लिए। वेलकम। मम्मी हॉस्पिटल भी नहीं गया और बाबा टीवी पे नहीं गया। मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। शाहज़ेब एक मामले में बड़ा क्लेवर है। उससे जब भी पूछते हैं कि मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं बाबा, मेरे सामने होता है तो कहता है बाबा, और मासूमा के सामने होता है तो कहता है मामा। लेकिन कभी कभी जब मूड में होता है तो, और सही जवाब देने के मूड में होता है, फिर कह देता है मासूमा। मुझे लगता है जैसे कि वो अपने फादर से ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए क्योंकि टाइम ज़्यादा वो उनके साथ गुजारता है। मुझे टाइम इतना मिल नहीं पाता, लेकिन बार बार उसका मेरे पास आना, मुझसे प्यार करना, एक एक्सप्रेशन ऑफ लव, यानी कि मुझे, मैं कॉल्स पे भी होती हूँ तो वो मुझे मिस करता है, मुझे फ़ोन करता है, मुझे बताता है कि मम्मी आप मुझे याद आ रही हैं। तो मुझे गिल्ट तो रहता है कि टाइम उसके साथ कम गुजरता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता ही होगा। मैं क्या करूँ, एक चूज़ करना पड़ता है। क्या चूज़ करूँ? दोनों ही। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि पेरेंट्स काफ़ी बिजी होते हैं, और जो बिजी होते हैं वो फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करते बच्चों के साथ। तो मेरे ख्याल में बच्चों के साथ मेमोरीज़ और यादें बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं यही सोचती हूँ कि जो अच्छा टाइम या अच्छी मेमोरीज़ या अच्छे लम्हे अपने बच्चों के साथ हम गुजारेंगे, तो वो आगे जाके उनको याद करेंगे कि ये टाइम हमने अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा गुजारा था। तो मुझे तो बहुत याद आते हैं अपने माँ बाप के साथ गुजारे हुए खूबसूरत वो पल, वो लम्हे। आई होप कि हम ऐसी मेमोरीज दे पाएं अपने बच्चों को कि बच्चे हमें आगे जाके याद करें इंशाल्लाह।